एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। प्रयागराज प्रशासन ने माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ ऑपरेशन नेस्ता नाबूद में हाफ सेंचुरी लगा दी है। शनिवार को जब प्राधिकरण ने अतीक अहमद के खास गुर्गे लुकमान उर्फ नाटे के खिलाफ एक्शन लिया, तो इसी के साथ जिले में उसकी दहशत गर्दों के खिलाफ 50 कार्रवाइयां पूरी हो गई। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, उसी प्रयागराज की जो कभी बाहुबली अतीक अहमद की दहशत से कांपता था, जहां पग पग पर अतीक के गुर्गों की दहशतगर्दी की दुकानें चलती थी। लेकिन माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान नेस्तनाबूद के बाद एक एक कर सभी दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बाहुबली अतीक के खिलाफ फिर गर्जा बुलडोजर। अतीक के खास गुर्गे के गिराए गए मकान, ऑपरेशन नेस्तनाबूद में हिलाई गुर्गों की जड़ें। लुकमान उर्फ नाटे के खिलाफ प्रशासन का एक्शन, सरकार का बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। प्रशासन की नजर अतीक अहमद के बाद उसके उन गुर्गों पर है जो अतीक के जेल जाने के बाद भी उसका दहशतगर्दी का कारोबार देख रहे थे। इसमें एक नाम अतीक के बेहद खास माने जाने वाले लुकमान उर्फ नाटे का भी है। दहशतगर्दी और काली कमाई से अर्जित की गई संपत्तियों पर प्रशासन ने लुकमान उर्फ नाटे के 5 मकानों को कार्रवाई की जद में लिया है। बताया जा रहा है कि धूमनगंज इलाके के कसारी मसारी में विकास प्राधिकरण की अधिग्रहित 2500 स्क्वायर मीटर से ज्यादा जमीन पर लुकमान कब्जा किए हुए था, और इस अवैध कब्जे की जमीन पर उसने अपने हनक से 5 आलीशान मकान खड़े कर रखे थे। पोस्ट कॉर्नर से आप जहां बाईं तरफ देख सकते हैं पहला बुलडोजर चल रहा है, वहां से लेकर ये जो एक बड़ी सी ऊंची 3 मंजिला इमारत देख रहे हैं जिसका आगे का हिस्सा अब से कुछ देर पहले तोड़ा गया है, यहां तक कल करीब 5 मकान बनाए गए थे। ये विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन है। तकरीबन 2500 स्क्वायर मीटर में ये 5 मकान बनाए गए थे। विकास प्राधिकरण का अनुमान है कि इनकी अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। इस पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था। कब्जा करने के बाद इस पर लगातार निर्माण किए गए थे और कुछ हिस्से को दूसरे लोगों को बेच भी दिया गया था। तो ऑपरेशन माफिया के तहत आज इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। विकास प्राधिकरण और नगर निगम के 4 बुलडोजर जो है वो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक के खास गुर्गे लुकमान उर्फ नाटे के कब्जे से प्राधिकरण के 2500 स्क्वायर मीटर की जमीन को खाली कराया है। इसके लिए सुबह से विकास प्राधिकरण की टीम भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और इलाके में अनाउंसमेंट कर कार्रवाई शुरू की। लुकमान के अवैध मकानों को जब गिराने का सिलसिला शुरू हुआ तो वहां कभी दहशत की वजह से लुकमान का सामना ना कर पाने वाले लोग भी पहुंच गए और दहशतगर्द के खिलाफ हो रही कार्रवाई को देखा। इस दौरान विकास प्राधिकरण ने 2500 स्क्वायर मीटर पर अवैध कब्जा कर बनाए गए 5 आलीशान मकानों को तोड़ा। बताया जा रहा है कि इनमें से कई मकान लुकमान उर्फ नाटे लोगों को बेच भी चुका था। लुकमान उर्फ नाटे बेहद शातिर अपराधी है और अतीक अहमद गैंग का सक्रिय सदस्य भी। उसके खिलाफ पूरे जिले में कई दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज।